पहले शुरुआत करती हूँ मेरे इंट्रोडक्शन से। शायद मेरे को आप लोग नहीं जानते हैं, तो मैं दिल्ली की हूँ और मोर देन 25 इयर्स से रेकी सिखा रही हूँ। और जो बिरेन भाई हैं, उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है आप लोगों से कनेक्ट होने का। शायद आप लोग सब अहमदाबाद के हैं एंड अहमदाबाद से मेरा बहुत अच्छा कनेक्शन है। मैं कई बार अहमदाबाद आ चुकी हूँ और आई होप जहाँ पे आपको समझ ना आए आप नीचे चैट में भी लिख के दे सकते हैं कि कुछ समझ नहीं आया है, कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो हमें फ़ोन नंबर या ग्रुप में भी डाल सकते हैं। ग्रुप में आप सब लोग हैं तो ये सब है। और थैंक यू अंकित भाई, उन्होंने ये जूम का लिंक हमें शेयर किया और पॉसिबल करा कि आप सब लोग इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकें। तो मैं कुछ लोगों से शेयरिंग लेना चाहती हूँ कि आप में से आप लोग जो हैं अपना हैंड रेज करेंगे, डिजिटल हैंड, धीरे धीरे आप लोगों को हैबिट हो जाएगी कि आप लोग रेकी से, रेकी के बारे में क्या, दो क्वेश्चंस हैं, रेकी के बारे में क्या जानते हैं और रेकी से क्या आप अचीव करना चाहते हैं। तो एक तो अपना नाम बताएंगे पहले कि आपका क्या नाम है, आप क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन अपना, रेकी के बारे में आप क्या जानते हैं और रेकी से क्या आप अचीव करना चाहते हैं। सो सोनाली जी को अनम्यूट किया जाए। सोनाली जी, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा, हाँ, रेकी को मैं 15-17 सालों से जानती हूँ और मैंने तीनों पार्ट सीखे हुए हैं और मैं उसका ज्यादा से ज्यादा यूज भी करती हूँ। लेकिन अभी मुझे जब ऐसे ये आपकी मिली के भी ऐसे आप करवा रहे हैं तो मैंने दोबारा ज्वाइन किया कि मैं अपना सब जो वो सीखा हुआ है, बहुत साल हो गए है तो मैं उसको फिर से रिवाइज करना चाहती हूँ। जी, थैंक यू वेरी मच सोनाली जी। और आप क्या करती हैं सोनाली जी, थोड़ा इंट्रोडक्शन। मैं ट्यूशन टीचर हूँ, पर्सनल ट्यूशंस लेती हूँ। किस चीज की ट्यूशंस लेती हैं आप? स्कूल के बच्चों की। ओके, वंडरफुल, थैंक यू सोनाली जी, आपने शेयर करा। तो अनीश भगत जी। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग अनीश जी। एक्चुअली सॉरी मैम, मेरा नाम, मेरा सन का नाम वो भूल से, मेरा नाम श्वेता है, मैं उसका भूल करना भूल गई। तो आप रीनेम कर लीजिए अपने आप को, कोई बात नहीं, आप रीनेम कर लीजिएगा। सभी को रिक्वेस्ट भी है क्योंकि अपने नाम से ही जुड़े, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा कि फिर हमें आपकी एब्सेंट गिनी जाएगी उसमें। रीनेम कैसे करते हैं बता दीजिए। पार्टिसिपेंट अपना जो नाम है ना वहाँ पे जाके क्लिक करेंगे ना तो रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा अपने आप। मैम मेरा नाम श्वेता भगत है, मैं बड़ोड़ा से हूँ और लास्ट 6 मंथ से अभी मैंने स्टार्ट किया रेकी का सीखना। मैंने लेवल 1 और लेवल 2 किया हुआ है। तो आप दोबारा क्यों सीखना चाहती हैं अनीश जी? मैम मैं इतना वापस थोड़ा भूल गई क्योंकि मैंने 4-5 महीने पहले सितंबर या अगस्त में सीखा था। अच्छा। फिर बीच बीच में वो थोड़ा गैप आ गया। ओके। और मुझे रेकी सीखना है बच्चों के लिए, फैमिली के लिए। देखिए मैं आप लोगों का नाम भूल जाऊं तो प्लीज ठीक से आप रीनेमिंग कर लीजिएगा। और ये वृंदा जी शेयर करें। आप अपने हाथ नीचे कर सकते हैं बाकी लोग। वृंदा जी आप अनम्यूट करिए अपने आप को। या हाँ, वीडियो ऑन कर। हाँ मैम, वृंदा मावळकर है, मैं अहमदाबाद से हूँ। मैंने एक्चुअली 96 में ये रेकी का किया था, फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल। अच्छा, लेकिन काफी गैप पड़ी है तो मुझे ऐसा लगा और मैंने आपके वैसे 3-4 लेक्चर सुने हैं, इसके जरिए मुझे ऐसा लगा कि दूसरा कोई और ज्यादा नॉलेज भी मिल सकता है और कुछ भी उपयोग अच्छी तरह से अपने जीवन में कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये फिर से ज्वाइन किया है और आपका लेक्चर से मैं बहुत प्रभावित हो गई हूँ। थैंक यू सो मच वृंदा जी, थैंक यू सो मच। तो संगीता मुकेश जी, आपका और मेरा नाम सेम ही है संगीता जी। नमस्ते मैडम।
नमस्ते संगीता जी। मैडम मुझे इसीलिए मतलब बहुत समय से मैं रेकी सुन रही थी और मैं ध्यान वगैरह करती रहती हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत लोग रेकी बोल रहे हैं, तो अभी मुझे जाके कुछ भी चीज करना हो तो डुबकी लगानी पड़ती है ना, तो अभी डुबकी लगा ही लेने दो और फिर आपके वो जो दिए थे क्या क्या आप पढ़ाने वाले हो क्या क्या सिखाने वाले हो, तो मुझे मेरे जो कर रही हूँ उनके साथ काफी लिंक लगा, तो आई थिंक कि मुझे कर ही लेने दो, मुझे भी कुछ ज्यादा नॉलेज मिलेगा और मैं शेयर भी कर पाऊंगी, इसीलिए मैंने मैडम ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच संगीता जी। आप लोग हाथ नीचे कर लिए, तो शुरू करते हैं रेकी के बारे में। तो रेकी जो है दो शब्दों से बना है, रे और की। प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा। मम्मी ने उठा लो पता नहीं जोड़े थे। तो रे और की, अपने हैंड्स नीचे कर लीजिएगा, अपने रेज हैंड नीचे कर लीजिएगा। तो रे की बना हुआ है दो शब्दों से, रे और की। तो रे का मतलब होता है यूनिवर्सल लाइफ फोर्स और की का मतलब है ऊर्जा एनर्जी। तो ये एक जापानी शब्द है, रेकी एक जापानीज शब्द है और इसका मतलब है यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी। जैसे ऑक्सीजन चारों तरफ प्रेजेंट होती है, इसी तरह से रेकी की ऊर्जा भी चारों तरफ प्रेजेंट होती है। और ऊर्जा जो होती है वो हर चीज़ में ऊर्जा है। तो आपने सुना होगा कि कण कण में भगवान होता है, तो कण कण में भगवान का मतलब क्या था, जिसे हम एनर्जी कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। हर चीज़ में कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस है, जागृत अवस्था में है। हम ये कह सकते हैं कुछ चीज़ कम जागृत है, कुछ चीज़ ज़्यादा जागृत है। एक पत्थर है वो कम जागृत है, एक इंसान है वो बहुत ज़्यादा जागृत है। तो जागृत तो सभी हैं, सभी एक ऊर्जा का रूप है। तो ऊर्जा से हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपने जीवन में अच्छी जिंदगी, अच्छी रिलेशनशिप्स, अच्छी हेल्थ को, तो ये हम रेकी से जानेंगे। तो रेकी से हम हेल्थ भी पा सकते हैं, वेल्थ भी पा सकते हैं, जीवन में सब कुछ पाया जा सकता है। तो रेकी जो है इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, तो आप लोगों ने पिक्चरों में या जैसे कैलेंडर होते हैं, कैलेंडर में आपने जहाँ भगवान का फोटो होती है, तो गुरु नानक बुद्ध के हाथों को अक्सर ऐसे देखा होगा। देखा है तो नॉट योर हेड, ताकि मुझे पता चले किसी ने देख रखा है। तो ऐसे कैलेंडर में उनके हाथ अक्सर ऐसे होते हैं आशीर्वाद मुद्रा में, और माँ बाप भी आशीर्वाद देते हैं, आप पाँव छूते हैं और माता पिता आशीर्वाद देते हैं, हम सब देते हैं, हम सब माता पिता भी रहे हैं और बच्चे भी रहे हैं। तो एक ऊर्जा का फ्लो होता है, जैसे माँ बाप हाथों से ब्लेस करते हैं अपने बच्चों को, तो वो एक आशीर्वाद, शब्दों से वो आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम्हारा खुश रहो, जीते रहो, ऐसा सब अपनी परंपरा में रहा है। तो जाने अनजाने एक ऊर्जा का सर्किट बनता है, उसने पाँव छुए, आपने ब्लेस करा, तो कहीं ना कहीं हमारे देश में रेकी का एक स्वरूप, एक छोटा सा स्वरूप ऑलरेडी प्रैक्टिस में है, क्योंकि जो आप आशीर्वाद अपने हाथों से देते हो, जो ब्लेसिंग देते हो, वो ऑलरेडी आप हीलिंग कर रहे हो। पर इसको एक परफेक्ट फॉर्म में जो आई है ये जापान से आई है। तो जापान में एक संत हुए थे, उनका नाम था डॉक्टर मिकाओ उसुई। तो डॉक्टर मिकाओ उसुई कहते हैं कि ये क्रिश्चियन थे और ये 18वीं सदी की बात है। तो डॉक्टर मिकाओ उसुई जो है वो पढ़ाते थे यूनिवर्सिटी में, क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाने जाते थे। तो जब वो पढ़ाने जाते थे तो उनसे एक बच्चे ने पूछा कि सर हमने पढ़ा है बाइबल में कि जीसस क्राइस्ट हाथों से हीलिंग करते थे और उन्होंने बहुत सारे मृत लोगों को जीवित कर दिया, तो ऐसा क्या संभव है लोगों की वो बीमारियां ठीक करते थे हाथों से, और उन्होंने ऐसी ऐसी असाध्य बीमारियों को ठीक कर दिया जो पॉसिबल नहीं थी। तो कुछ क्षण के लिए डॉक्टर उसुई जो थे एकदम से परेशान से हो गए कि ये बात तो इनकी सही है, तो क्या उत्तर दूं। तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ टाइम का समय दिया जाए। तो वो घर पे गए, उन्होंने ढूंढा, रिसर्च करा, पर वो उन्हें कोई आंसर नहीं मिला। तो जब उन्हें कोई आंसर नहीं मिला तो
उन्होंने सोचा कि मेरा जो ज्ञान है, जो सिखाना है, वो बेकार है, मेरे को सर्च करना है रेकी के बारे में, जानना है कि ये ऊर्जा कैसे हील करती है, हाथों से कैसे हीलिंग होती है। तो कहते हैं कि वो हिमालयाज में आए, तिब्बत में आए और उन्होंने 21 दिन की तपस्या करी। 21 दिन की तपस्या करने के बाद उन्हें कुछ पॉइंटर्स मिले, कुछ ज्ञान मिला, फिर वो वापस माउंटेन कोरियामा चले गए जापान में। माउंटेन कोरियामा में उन्होंने 21 दिन जो है एक तपस्या करी। उन्होंने 21 पत्थर रख लिए और एक एक दिन, क्योंकि कैलेंडर शायद उस ज़माने में नहीं होता होगा किसी माउंटेन पे, तो एक दिन एक पत्थर फेंक दिया, दो दिन फेंक दिए, तो भूखे प्यास से 21 दिन उन्होंने तप किया। और जब 21वां दिन हो गया तो उन्हें ऐसा लगा जैसे बहुत रोशनी उनके यहाँ पे थर्ड आई चक्रा पे आ गई है। तो थर्ड आई चक्रा पे उनकी रोशनी आई तो कुछ क्षण के लिए बेहोश हो गए, क्योंकि एकदम से लाइट पड़े तो एकदम से इंसान चकमका जाता है, तो वो थोड़े बेहोश हो गए। फिर जब वो उठे तो उनको शरीर में बहुत हल्का लगा, बहुत पॉजिटिव लगा, बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने क्या किया, खुशी एक अंदर उनके आ गई। तो वो भूखे प्यासे थे पर उनका शरीर ऊर्जा से भरा हुआ था, तो उन्होंने अपने शरीर को ऊर्जान्वित करते हुए, एनर्जाइज करते हुए, वो खुशी के मारे पहाड़ों से नीचे जाने लगे कि लोगों के साथ अपने ज्ञान को शेयर कर सकें। जैसे ही वो नीचे की तरफ गए तो उनको पाँव में चोट लग गया, उनके पाँव में चोट लग गया तो खून बहने लगा, खून बहने लगा तो उन्होंने जो है अपने पाँव पे हाथ रखा, तो जो खून बहन, जैसे हाथ रखा अपने पाँव पे, खून बहना बंद हो गया। और जैसे ही खून बहना बंद हुआ उनको लगा कि एक बहुत बड़ा मिरेकल हो गया, वो बड़े एक्साइटेड हो गए, बड़े खुश हो गए कि देखो आज एक ये मिरेकल घटा है। तो उन्होंने जैसे ही आगे गांव में गए तो एक बच्ची थी, उसने कहा बहुत दर्द हो रहा है, तो उन्होंने उसकी गालों पे अपना हाथ रखा, तो गालों पे हाथ रखते उसका गाल ठीक हो गया, तो ये दूसरा मिरेकल था। तो वहाँ पे उन्होंने गांव वालों को ये रेकी का ज्ञान देना शुरू कर दिया, उन्हें सिखाना शुरू कर दिया। तो उन्होंने जैसे जैसे रेकी जहाँ जहाँ हाथ रखते थे वो ठीक हो जाते थे, उन्होंने उसकी पद्धति को सिखाया कि भैया रेकी इस तरह से करना चाहिए, उस तरह से करना चाहिए, और लोग ठीक होते चले गए। उन्होंने फिर कुछ बेगर कॉलोनी में गए, वो बेगर कॉलोनी में गए कि बेगर्स को उन्होंने सिखाया कि अपनी हीलिंग करो तो आप ठीक हो जाओगे। तो जब उन्होंने बेगर्स को सिखाना शुरू करा तो जो बेगर्स थे वो उन्होंने बेगिंग छोड़ दी, भीख मांगना छोड़ दिया, पर उन्होंने देखा साल दो साल बाद उन्होंने फिर से भीख मांगनी शुरू कर दी। तो उन्होंने कहा अरे ये क्या होगा, मैंने तो बेगर्स को बड़े प्यार से, बड़े अच्छे से सिखाया था। तो बेगर्स को जब भीख मांगते हुए देखा तो उन्होंने दो प्रिंसिपल्स रेकी के बनाए, क्योंकि उन्होंने बेगर्स को बिना मांगे जबरदस्ती उनके ऊपर रेकी थोप दी थी। तो उन्होंने कहा रेकी किसी के ऊपर थोपनी नहीं चाहिए, मांगने पे ही रेकी देनी चाहिए, और दूसरी चीज ये कि फ्री में कुछ नहीं बांटना चाहिए, मुफ्त में देने से उसकी वैल्यू नहीं होती। तो अक्सर जैसे बहुत लोगों में मैंने देखा है, अपने रिलेटिव्स में भी देखा, क्योंकि हमें रिश्तेदारों से, जान पहचान के लोगों से पैसे लेने में हिचक होती है, तो कितने लोगों को हिचक होती है अपने रिश्तेदारों से पैसा वगैरह मांगने में, हाथ खड़ा करेंगे, वेरी गुड। तो हमें अक्सर उनसे हिचक होती है मांगने में, पर लेकिन फ्री में मांगने से, फ्री में देने से उसकी वैल्यू भी नहीं होती है। तो ये हम करेंगे कि कैसे हम इस हिचक को दूर करें, कम्युनिकेशन पे भी काम करेंगे। तो फ्री में जब आप देंगे किसी को रेकी या जबरदस्ती थोपेंगे तो वो वैल्यू नहीं करेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को ये रेकी की ऊर्जा नहीं दे सकते, उनसे पूछ के भी दे सकते हैं। कई बार कोई किसी के लिए आउट ऑफ कंपैशन होता है कि हमारे मन में बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है, तो उसको भी हम रेकी की दिव्य ऊर्जा दे सकते हैं। तो ये तो हुआ डॉक्टर उसुई के बारे में। तो डॉक्टर उसुई ने एक अपने जो उनके शिष्य थे जापान से, डॉक्टर हयाशी थे, वो एक डॉक्टर थे जो लगभग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम हुए थे। तो डॉक्टर हयाशी को उन्होंने रेकी सिखाया,
डॉक्टर हयाशी के पास एक लेडी आई, मिसेस तकाता, जो पॉलिनेशियन थी। ये एक आइलैंड है पॉलिनेशिया का, अमेरिका के आसपास स्थित है। तो वो कैंसर से पीड़ित थी मिसेस तकाता, और उन्होंने कहा कि क्या आप मेरे को, मैंने सुना है डॉक्टर हयाशी कि आप लोगों का इलाज करते हो और बिना मेडिसिन दिए इलाज करते हो, तो मुझे मेडिसिन नहीं लेनी, मुझे अपना इलाज करवाना है आसपास चिकित्सा से, रेकी से। तो उन्होंने कहा हम ट्राई करते हैं। तो उनकी टीम ने उनके ऊपर हीलिंग करी, तो उसको ग्रुप हीलिंग दिया गया। कुछ महीनों में उनका कैंसर ठीक हो गया, मिसेस तकाता का। तो मिसेस तकाता ने फिर उनसे ट्रेनिंग ली और वो अमेरिका चली गई। अमेरिका में रेकी की शुरुआत उन्होंने करी। कहते हैं उन्होंने 22 रेकी मास्टर्स पहले बनाए, और वो उन 22 रेकी मास्टर्स से पूरे विश्व में रेकी फैली है। तो ये 22 रेकी मास्टर्स हैं जिन्होंने रेकी को फैलाया है, रेकी का उपचार करा है। तो ये 22 लोगों ने रेकी को अच्छे से फैला दिया, और 22 लोगों ने पूरे विश्व में रेकी को आगे सिखाया। धीरे धीरे इंडिया में आया, तो इंडिया में लगभग 80s में रेकी का चलन शुरू हुआ था। तो बहुत कम लोग रेकी को सीखने में उत्सुक होते थे, क्योंकि रेकी के बारे में लोग जानते नहीं थे। फिर 90s में बॉम्बे, अहमदाबाद, आपके बहुत पुराने रेकी मास्टर्स, अहमदाबाद से बहुत रेकी फैली है। फिर धीरे धीरे 90s तक वो दिल्ली में आई, और अब जा मैं देखती हूँ कि गांव-गांव में लोग रेकी को जान गए हैं। तो इस तरह से ये यात्रा है रेकी की, इसको कहते हैं हिस्ट्री ऑफ रेकी।